शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री विभाग ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के इंदौर शाखा के साथ 2 दिवसीय कार्यशाला एवं व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के दंत रोग इलाज में सिडेशन के महत्व के बारे में बताया गया। देखिए ये रिपोर्ट। एमजीएम से विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू गुप्ता एनेस्थीसियोलॉजी विभाग और डॉक्टर कौशल किशोर एनेस्थीसियोलॉजी विभाग ने ओरल रिलेशन व इंट्रावेनस सिडेशन पर जानकारी दी। साथ ही अहमदाबाद से आए विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश पटोदिया ने नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस के उपयोग पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों के दंत रोग इलाज के लिए किस तरह से यह अत्यंत उपयोगी है, जिसमें बड़ी ही आसानी से दांतों के एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल या अन्य इलाज अत्यंत आसानी से हो जाते हैं और बच्चों को किसी भी प्रकार का दर्द अनुभव नहीं होता है। यह हमारा शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है और यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है चाइल्ड डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। तो चाइल्ड डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के इंदौर ब्रांच के साथ मिलकर 2 दिन का व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन किया है। 19 फरवरी एवं 20 फरवरी 2 दिन के लिए हमारा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ऐसे बहुत सारे बच्चों के इलाज के बारे में समझाया गया है। कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं जिनका डेंटल ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से हो पाता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उनको मैनेज करने के लिए। तो उनको हम ओरल सिडेशन के माध्यम से, या उनको हम IV सिडेशन के माध्यम से, या फिर हम उनको नाइट्रस ऑक्साइड गैस के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड गैस के बारे में यहाँ पे डॉक्टर आकाश पाटोदिया ने सारी जानकारी दी है। ये बहुत ही सेफ तरीका है जिससे कि हम बच्चों का इलाज बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा जो नवीन PG विभाग है उसका उद्घाटन माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने किया था। उसके बाद से हम लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज का और कल का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है, ये उन्हीं के नॉलेज को, उनकी डेंटल की प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए किया गया है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जो पीडियाट्रिक्स ब्रांच है, जिसमें स्पेशली बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे हमने 2 दिवसीय एक कार्यक्रम रखा है। इसमें हम बच्चों को चेयर साइड कैसे उनका एंजाइटी लेवल, या जो बच्चे हैं ट्रीटमेंट कराने में डरते हैं, या कैसे वो पेनलेस ट्रीटमेंट और बहुत रिलैक्स होके आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उस बारे में हम लोगों ने एक वर्कशॉप आयोजित की है और लेक्चर आयोजित की है, जिसके लिए एक प्रख्यात डॉक्टर आए हुए हैं हमारे पास अहमदाबाद से, डॉक्टर आकाश पटौदिया। तो कल उनका लेक्चर था। इसमें चेयर साइड कॉन्शियस सिडेशन, मतलब एक लाफिंग गैस होती है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के मिक्सचर से दिया जाता है, वो उस पर उन्होंने हमें व्याख्यान दिया या लेक्चर दिया लास्ट कल, और आज हम उसे कैसे यूज़ करना है, उस मशीन के बारे में कैसे ऑपरेट करना है और कैसे वो यूज़ होती है, उसका कैसे हम यूज़ में ला सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। ये बहुत नई चीज़ है और बहुत कम डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं, और अब हमारे विभाग में हम लेने वाले हैं, तो हमने उसका डेमोंस्ट्रेशन आज रखा है। तो इस यही हम आज सीखेंगे, हम और दूसरे डॉक्टर्स और दूसरे PG से स्टूडेंट भी आए हुए हैं और हम उसका सिखा रहे हैं। इंदौर शाखा के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक अग्रवाल, सचिव डॉक्टर अमित रावत, डॉक्टर आदित्य मंगल व प्राचार्य डॉक्टर देशराज जैन ने व्याख्यान एवं इसकी विशेषता के बारे में प्रशंसा की। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष सक्सेना ने इस सफल आयोजन का श्रेय पेडोडोंटिक्स विभाग को दिया तथा डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर। अब 6 लाख फॉलोअर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। MP की बात, MP News के साथ।